सितारगंज के खोदे गए तालाबों में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन अखिल भारतीय किसान नेता जगदेव सिंह ने समझा बुझाकर धरने का समापन करवाया है, साथ ही किसानों को कार्रवाई की आश्वासन भी दिया है। दरअसल किसानों ने मिट्टी को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया था, जिसके लिए मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। सितारगंज से संवाददाता जफर अंसारी की रिपोर्ट। हमारे जो ये मनरेगा ये तालाब खोदा गया है जुढ़ार के अंदर, वो मानक से अधिक 6 से 7 गुना अधिक खोद दिया गया है। उसकी मांग हमने SDM साहब जी भी की और उसकी एक हमने आपके मुख्यमंत्री साहब से भी की है कि हमारा इसका अन्याय किया जाए। और इसमें हमारे पास में जितने भी हमारे गांव हैं, ये घर, वो उनका खतरा है कि वो भी उस घर तालाब में ना गिर जाए, अब रास्ता भी बह ना जाए उस तालाब में।